नमस्कार दोस्तों, बिजनेस मालविया। बात करेंगे रीट एग्ज़ाम से संबंधित। रीट एग्ज़ाम में लेवल 1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेक लिस्ट जारी कर दी, यानी जो फॉर्म आपको दे रखा है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 का। इस फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, बात करते हैं। पूरे फॉर्म को देखिए और इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF आप प्राप्त कर सकते हो, प्रिंटआउट निकलवा सकते हो। बात करते हैं अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विशेष शिक्षा हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरे जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करें। दस्तावेज सत्यापन का जिला जो आपका जिला है और रोल नंबर अभ्यर्थी के जो आपने रीट में रोल नंबर और रोल नंबर भरने हैं। पद अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विशेष शिक्षा, यानी सामान्य शिक्षा से आपने STC की है या विशेष शिक्षा तो जो भी आपने कर रखा है उससे संबंधित जानकारी आपको भरनी है। या इसके अलावा आप विशेष शिक्षा में होने पर MR या BI या HI श्रेणी किस श्रेणी के वो आपको टिक करना है। क्षेत्र की बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी आप TSP क्षेत्र से या non-TSP से वो भरना है आपको। आधार क्रमांक भरना है, आधार नंबर, आवेदन क्रमांक जो application ID वो भरना है, पिता का नाम भरना है, अभ्यर्थी का नाम भरना है और जन्मतिथि, इसके अलावा माता का नाम भरना है। उसके बाद आपके वर्ग श्रेणी भरनी है, आप अनारक्षित जनरल से हो, OBC से हो, EWS से, MB से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, सहेलिया जो भी श्रेणी है उस पर टिक करें। और विशेष श्रेणी जैसे विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जो विशेष श्रेणी के उन पर टिक करें। आपकी जो कैटेगरी उस कैटेगरी पर आप टिक कर सकते हो। लिंक की बात करते आप महिला या पुरुष जरूर लिखें और जमा आवेदन शुल्क की राशि लिखें। 12th आपने किस माध्यम की, हिंदी या इंग्लिश, वो आप इस माध्यम में लिखें। स्नातक आपने किस माध्यम की, हिंदी इंग्लिश, उसमें लिखे। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाना है इसमें उसकी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, विस्तृत आवेदन की प्रति और आधार कार्ड की प्रति, फोटोकॉपी जो लगाए, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका में प्रमाण पत्र की प्रति यानी 10वीं की जो मार्कशीट है वो और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, और उच्च माध्यमिक यानी 12वीं की अंक तालिका उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा बात करते हैं अपन और पूर्णांक भरने, आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा के यानी 12वीं के पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत लिखना है आपको। इसके अलावा स्नातक अगर आपने कर रखा है तो स्नातक भरना है आपको। और परीक्षा के समस्त वर्गों सेमेस्टर की अंक तालिका, अगर आपने स्नातक कर रखा है और अलग अलग सेमेस्टर सिस्टम है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो उनके अलग अलग अंक भरने हैं। स्नातक समकक्ष परीक्षा पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, यानी आपने स्नातक कर रखा है तो स्नातक में जो पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत वो सब भरना है आपको। अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED या BLED जो भी आपने कर रखा है वो जरूर भरें। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, फोटोकॉपी लगानी आपको प्रमाणित। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय दोनों स्तर में है तो वो भी आपको प्रति लगानी है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम के प्राप्तांक प्रतिशत में बताने आपको। उसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए DLED के प्रवेश की तिथि, यानी आपने एडमिशन कब लिया था DED करने के लिए डेट बतानी है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए DLED विशेष शिक्षा से आपने तो जो भी आप इस पे लागू होता है उस पे आप टिक कर दे। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए DLED विशेष शिक्षा में प्रवेश की तिथि, अगर आपने विशेष शिक्षा किया है तो उसमें डेट बतानी है। विशेष शिक्षा पद है तो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आप मूल निवास TSP या non-TSP से है तो वो मूल निवास आपको लगाना है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए, यानी TSP में जो विशेष मूल निवास बनता है वो मूल निवास लगाना है आपको। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट लगाना है, यानी EWS को इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया, आदिम जनजाति, जाति प्रमाण पत्र लगाना है आपको। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार शपथ पत्र, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नया बना रखा तो वो लगाना है, और अगर आपका पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष के इस आशय की स्वघोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है, यानी जनरल कैटेगरी का मूल निवास लगाना है। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा, पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज साक्षी की प्रति एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने की संबंधी स्वघोषणा, यानी अगर विधवा है और विवाह दोबारा नहीं किया है तो वो स्वयं द्वारा घोषणा विवाह नहीं किया है, और पति के जो सर्टिफिकेट डेट सर्टिफिकेट उसको लगाना है। इसके अलावा विवाह विच्छिन्न, परित्यक्ता, तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी स्वघोषणा, यानी आपको तलाकशुदा का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद संतान से संबंधित, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी, भूतपूर्व सैनिक संबंधित आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लगाना है, दिव्यांग से संबंधित वो लगाने हैं। उसके बाद आपके वो आपराधिक प्रकरण में नाम दर्ज तो नहीं है, FIR दर्ज, उससे संबंधित आपको
अगर है तो प्रमाणित लगाना, नहीं है तो अच्छी बात है। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत है, पहले से आप किसी सरकारी सेवा में हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है। आवेदन में 2,50,000 रुपये से कम आय की सूचना भरी है तो संबंध सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी, यानी 2,50,000 से कम अगर आपकी इनकम है तो वो लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको और भी शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में अगर आपने और भी डिग्री वगैरह कुछ कर रखी तो वो लगाना है। आपको अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र, और अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। ये फॉर्म आपको पूरा भरना है। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, स्थान, दिनांक और मोबाइल नंबर। अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा इसमें घोषणा करनी है, वो भरना है अभ्यर्थी के द्वारा, और स्वयं घोषणा इसको भी अभ्यर्थी के द्वारा ही भरना है ये। इसके अलावा ये संतान से संबंधित दे रखा है, 2002 से पहले और 2002 से बाद में कुल कितनी संतान है, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, उससे संबंधित स्वघोषणा भरनी है। दहेज नहीं लेने, अगर विवाह नहीं हुआ है तो दहेज संबंधी नहीं लेने की घोषणा करनी है। भूतपूर्व सैनिक से संबंधित घोषणा, और इस फॉर्म में यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर हो जाएंगे, स्वयं सत्यापन विद्यार्थी के द्वारा, दस्तावेज सत्यापन, जांच दल की टिप्पणी। दस्तावेज सत्यापन में अगर आपके कोई कमी पेशी रह जाएगी तो आपके यहाँ पे लिख दी जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट ये जमा करवाने कितने दिन के अंदर, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो रीट लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट फॉर्म डाउनलोड करके आप इसको भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें। 5 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाले, 17 तारीख तक होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट को तैयार रखें।